तो आज गाइस मैं बनाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की सबसे बड़ी नेदर पोर्टल, जो अपनी रेगुलर नेदर पोर्टल से है 2 मिलियन टाइम्स बड़ी। अब देखो गाइस, इसको बनाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे इसको बनाने के लिए एक ऐसा फॉर्म बनाना होगा जो हम लोगों की सारी 3 डायमेंशन का यूज करेगा। नेदर अपना ओवरवर्ल्ड और एंड और अपने विदर का यूज करेगा। तो उसका यूज करके हम लोग एक ऑब्जीडियन फॉर्म बनाएंगे और उसको यूज करके हम लोग अपनी बहुत बड़ी नेदर पोर्टल बनाएंगे। तो ऑब्जीडियन लाने के लिए मुझे अपनी जरूरत है एक फार्म की, और फार्म बनाने के लिए तो हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड जाना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने सारा का सारा सामान जो हम लोगों के फार्म में लगने वाला है वो मैंने प्री प्रिपेयर करके रख लिया था। ज्यादा हार्ड नहीं था, काफी सिंपल स्टफ है। तो चलो मैंने इन दोनों शल्कर्स के अंदर उसे रख दिए। बस एक सेकंड भाई, मुझे मैं पहले अपनी लाइटर ही पहन लूं तभी उड़ पाऊंगा, और एक तो हेलमेट पहन लूं, ज्यादा ही ठुकाऊं मैं, पता नहीं कैसे मैं बचाऊं। अब चलो फाइनली निकल लेते हैं। अब मैंने अपनी अगली एंड पोर्टल के लिए कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी चेक करके रख लिए हैं। उसके कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली x84 और z-4908 हैं। तो अभी हम लोग जल्दी से वहीं पे चलते हैं। और वैसे अगर तुम लोग सोच रहे हो मैं अपनी पुरानी वाली एंड पोर्टल के पास क्यों नहीं जा रहा, वो क्या है, मेरे पास उसके लिए और भी प्लान है जो बाकी की वीडियो में तुम्हें दिखी जाएंगे वो। तो मैं जल्दी से यहाँ पे पहुंचता हूँ। और यहाँ पे ये माउंटेन एरिया है ना, इसी के आसपास है ये स्ट्रॉन्ग होल्ड। बस यहाँ पे हमें थोड़ी सी डिगिंग शुरू करनी है और मैं थोड़ी देर में स्ट्रॉन्ग होल्ड तक पहुँच जाऊंगा। 11 minutes later ओके, अब मैं यहाँ पे आ तो चुका हूँ, बस मुझे अब एंड पोर्टल ढूंढनी है। यहाँ पे भाई काफी सारी गंदी आवाजें आ रही है और अंधेरा भी बहुत हो रहा है, मुझे जल्दी जल्दी ढूंढना पड़े। आसपास कोई केव हो गई एक्चुअली, और अरे चेस्ट है एक, देखते हैं अंदर। अरे बढ़िया यार, डायमंड्स, मतलब सारी जायदाद तो यहीं पे होगी स्ट्रॉन्ग होल्ड वालों की, वही ले ली, बताओ यार मैंने। चलो कोई बात नहीं, हम लोग और ढूंढ के देखते हैं। यहाँ पे फाइनली पोर्टल रूम आ गया। अरे ये सिल्वर फिश कहाँ से स्पॉन हो गई यार, इनको मार के भी बुरा लगता है, मतलब वो जानबूझ के अटैक कर रही है वो, अगर नहीं करती फिर भी नहीं मारता, देखो पिद्दी से है वो। सबसे पहले तो इनके स्पॉनर को भूलूं यार, मतलब परेशान करके रख दिया है। ओके ये आखिरी वाली मर गई, नाइस। अब हम लोगों को वैसे एंड में जाके पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होगी सारे मॉब्स को लाने के लिए। इसके अंदर काफी सारे क्रीचर्स का इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन उससे भी पहले मैं लावा हटा ले रहा हूँ पहले यहाँ का। पता चला यहीं पे गिर गया मैं, बहुत ज्यादा मुझे घूमना पड़ेगा, इस पूरे रूम का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। अब चलो इसको हम लोग फाइनली एक्टिवेट करते हैं, नाइस। अब हम लोग सीधे काम करने निकल लेते हैं। ओके तो मैं एंड में तो आ चुका हूँ। यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को फॉर्म बनाने के लिए चाहिए एक विदर। अब यार विदर तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होती है, हर किसी को मौत डालती है वो सीधे। तो हम लोगों को एंडरमैन को यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना वो अगर उनको टारगेट करेगी तो हम लोगों का फॉर्म पूरा खराब हो जाएगा। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ज्यादा ही पास नहीं है मेरा पूरा स्पॉन प्लेटफॉर्म, हम लोगों को इसी के ऊपर अपना फार्म बनाना होगा। और एक्चुअली अगर तुम लोग सोच रहे थे मैं इसलिए यहाँ पे वाटर बकेट लाया था, हम लोगों को पूरे इस पार्ट को वाटर से भरना होगा ताकि यहाँ पे एंडरमैन टेलीपोर्ट करके ना आए। अब चलो मैंने एक इन्फिनिट वाटर सोर्स से बना लिए, देखो ऑलरेडी घूम रहे हैं वहाँ पे, गुच्छा बना रखा है उन लोगों ने। मैं यहाँ पे पूरा वाटर भरना शुरू करता हूँ। ओके अब सारे एंडरमैन तो निकल चुके हैं, तो अब हम अपने फार्म पे सीधे काम करना शुरू करते हैं। ये देखो गाइस, हम लोगों का पूरा फार्म रेडी तो हो चुका है। मैं तुम लोगों को इसे दूर से एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकंड बस। यहाँ पे ये रॉकेट मार दिया, चलो सही है पानी में लैंड कर लूँ, फिर से सर फोड़ लिया मैंने अपना। एनीवेज मैं तुम लोगों को हमारा फार्म एक्सप्लेन करता हूँ। ये अपनी कोबलस्टोन की वॉल, जहाँ पे विदर के सीधे तोप के गोले आके पड़ेंगे, और जहाँ पे मैं एक्चुअली खड़ा हुआ था, मतलब मेरा स्पॉन पॉइंट सीधे वहाँ पे हम लोगों की विदर होगी। और अगर तुम लोग सोच रहे हो ऐसे ही बेकार में हड्डियां काय को फेंकेगी, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आयरन गोलम बैठा हुआ है, अगर उसने इसके अलावा किसी चीज को भी फाड़ा तो वही, मतलब तो बेसिकली आयरन गोलम बलि का बकरा है हम लोगों का। अब देखो मैं अभी वितर तो नहीं डालने वाला, क्योंकि हम लोगों को पहले और ज्यादा प्रिपरेशन करनी है ओवरवर्ल्ड में जाके। तो मैं यहाँ पे पहली फुर्सत से निकल लेता हूँ। अरे ये फिर से फुसकी पता कर निकला। ओके फाइनली मैं ओवरवर्ल्ड में, तो अरे ये कहाँ पे हूँ मैं, वॉट यू हैव नो होम बट। अरे यार मैं तो उसको वहाँ पर डालना ही भूल गया अपने बेड को, ये देखो इन्वेंटोरी में है मेरा बेड। अब तुम लोग बताओ यार क्या करूँ मैं, मतलब घर से बहुत दूर हूँ मैं। अच्छा भाई मैं लाइटर रख के आया हूँ अपनी, अगर सोचो मैं इसको लाइटर के बिना बना रहा होता है। फाइनली आ गया हूँ मैं वापस स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर। अब यार सब कुछ चीजें गई भाड़ में, सबसे पहले तो यार मुझे अपना बेड लगाना है यहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम टेंशन हुई है मुझे, बस अब कुछ नहीं हो सकता मुझे। ओके तो गाइज अब हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे एक स्नो गोलम लाना है, और वो होना चाहिए एग्जैक्टली इस स्पॉट के अंदर अपनी एंड पोर्टल के नीचे। अब यार उसको तो रेलगाड़ी से ही ला सकता हूँ मैं, चलो यहाँ पे एक माइनकार्ट बना ही देता हूँ मैं। ओके अब फाइनली इसको बनाने की बारी आ गई है, बस यहाँ पे
ये देखो कैसे देख रहा है यार, गंदी नजर से मत देखो, बस उसका आदम हूँ एंड पोर्टल में। ओ कैसा लग रहा है तुम्हें? अरे वो देख रहा है यार मुझे, मेरी कोई गलती थोड़ी ना, मुझे तो वैसे यार काम करवाना है अपना, तो कैसी गंदी नजर से देख रहा है, हटो यार तुम। मतलब ये देखो फिर से देखने लग, और मार खानी है क्या? नहीं। हाँ देखो उधर मुंह कर लिया उसने। अब गाइस हम लोगों का दूसरा मॉब है एक ज़ॉम्बी, और ज़ॉम्बी को पता नहीं मैं कैसे यहाँ पे फंसाऊंगा, मुझे इस पर्टिकुलर स्लैब के ऊपर आके लगाना है उसे, यहाँ पे मुझे पूरा फंसा देना है उसे, ताकि ये स्नो गोलम है हम लोगों का वो उसे शूट करे। अब देखो मैं पूरी स्ट्रॉन्ग होल्ड के थ्रू तो उस ज़ॉम्बी को लेके नहीं आऊंगा, हम लोग क्या करते हैं सीधे यहाँ पे एक छेद डिग कर देंगे, और उसके नीचे यहाँ पे मैंने पानी तो लगा ही दिया है। अब मुझे यहाँ पे सीधे ऊपर एक स्ट्रेट होल बनाना है, इसके थ्रू मैं एक ज़ॉम्बी को गिरा लूंगा, ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। और ये देखो कितना बड़ा होल है यार, मुझे यहाँ से लाना पड़ा है एक ज़ॉम्बी को। अब चलो यार जल्दी से मैं चलता हूँ, रात तो हो ही रही है। नहीं 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 नहीं, अरे फट गया यार, यहाँ पे ज्यादा ही मॉब हो रही है, और स्केलेटन को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब यार कबाब में हड्डी बना बैठे, कबाब में हड्डी इतना बेकार जोक था। ओके मैंने यहाँ पे सारे मॉब्स को उतार दिया है, लेकिन यार पूरी भीड़ जमा हो गई है यहाँ पे तो ज़ॉम्बीज की। अरे बच्चू फिर से आ गया यार, ये बहुत परेशान करते हैं, देखो उड़ गया मतलब फालतू में यार कमलेश बेचारा। अरे बाप रे बहुत लग रहा है मेरे पीछे, जल्दी से निकल लूं मैं। ओके भाई अब बस होल में गिर जाओ। अरे गिरा क्यों नहीं, मतलब मैं गिर गया यार उसके जाल में, मतलब फंसा के रखा है यार, मतलब दो दो ज़ॉम्बी एक भी नहीं गिर पा रहा, तुम जाओ। अरे ये तो नीचे की बजाय ऊपर चला गया, ये सॉर्ड वाला तो आ ही नहीं रहा अंदर, इसको मैं नहीं मारूंगा। एक काम करते हैं यार जल्दी से यहाँ पे होल को डिक कर लेता हूँ, बड़ा हो जा भाई। हाँ अब तुम गिरोगे क्या, देखो वो थोड़ा सा पागल बन जाएगी। ओके आ जाओ, यस फाइनली गिर गया वो। अब यार मुझे सीधे अंदर कूदना चाहिए कि नहीं, मतलब गंदी आवाजें तो आ रही हैं, वो काट ना ले बस मुझे। चलो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ मैं। ओके सेफ लैंडिंग तो हो चुकी है मेरी। अरे 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 ये तो सीधे बिस्तर पे घुस गया यार, भाई ये तुम्हारा घर नहीं है, देखो अपना ही घर समझ रहा है, अभी अभी आया सिर्फ ये। मैं पता ही स्नो गोलम है ना, जिंदगी भर पिटोगे तुम इससे। है मेरे पीछे आओ। अरे क्यों नहीं पा रहा, कहाँ काट लिया भाई इसने, इसको लाना बड़ा ही मुश्किल है। देखो कहाँ गया, अब वो क्या कर रहा है। अरे भाई इतनी भी सीरियस नहीं थी दुश्मन, इसने तो सीधे जान से मार दिया यार स्नोमैन को। यार बड़ा ही खतरनाक है ये वाला ज़ॉम्बी, तो इससे मैं पंगे नहीं लेने वाला। बस यार तुम प्लीज यहाँ पे घुस जाओ, मुझे यार बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से। ओके आ रहा है आ रहा है, नाइस। अरे भाग क्यों रहा है, नाच रहा है ये तो। ओके मैंने उसे ट्रैप तो कर लिया, लेकिन यार ये सिर्फ इस स्लैब पे होना चाहिए, वो घूम रहा है वहाँ पे दो ब्लॉक्स के बीच में। ओके भाई जल्दी से निकल लो, बट नहीं तो मत, आ गया वो इतनी जल्दी पागल बन गया। अब यार ये डिस्पॉन ना, हम लोग को एक नाम रखना पड़ेगा इसका, अब से भाई तुम्हारा नाम होगा डॉन। सही बोला सही बोला। अब यार इसने स्नोमैन का तो काम लगा दिया, हम लोग को फिर से उसे लाना पड़ेगा। हैं भाई तुम्हें क्या लग रहा था, उसको मार के तुम फ्री हो जाओगे? बस भाई कुल्फी मैन नंबर टू ये आ गया। नहीं और भाई सब टशन देखो इसका, मतलब टेढ़ा बैठा हुआ है, नाइस ये वाला बढ़िया लग रहा है मुझे। ओके अब यहाँ पे मेरा ये ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे स्टिकी पिस्टन तो लगा दिए, अब फाइनली ट्राई करके देखते तुम इसे मारोगे क्या। हाँ परफेक्ट। अब गाइस देखो क्या हो रहा है, तुम लोगों को लग रहा होगा कि स्नोमैन एक्चुअली यहीं पे शूट हो रही है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है वो अपनी एंड के अंदर जा रही है, और वो एक्चुअली हम लोगों को विदर को हिट करेंगी, और ऐसे करके हम लोगों का ऑब्सीडियन टूटेगा। अब ये जगह यार डीलोड ना हो जाए जब मैं अपने एंड में जाऊँ ना, हम लोगों को इसलिए एक चंक लोडर बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे आएगा हम लोगों का नेदर। मैंने क्या किया यहाँ पे, ये नेदर पोर्टल को कनेक्ट कर दिया अपने नेदर से, क्या होगा हम लोगों की एक माइनकार्ट होगी, वो अपने दोनों वर्ल्ड्स के बीच में जाएगी, और ऐसे करके हम लोगों का ये चंक लोडेड इन रहेगा, और ये प्रोसेस जब हम एंड में भी जाएंगे तब भी रिपीट हो रही होगी। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मेरी मशीन परफेक्टली वर्क कर रही है। चलो भाई आखिरी पार्ट है हम लोगों का, हम लोगों को विदर बनानी है। ओके गाइस तुम लोग रेडी हो क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरी वीडियो है। ओके भाई आ गया डेंजरस वाला बंदा आ गया, इसके ऊपर यहाँ पे पानी छिड़क देना ताकि तोड़े ना। भाई निकल ले यार, इसकी आधी से ज्यादा हेल्थ हो गई है। ओ निकल लिया यार भाई, बहुत जल्दी बढ़ती है उसकी हेल्थ। ओके देखते हैं अब यार, वो प्लीज फटा ना हो, बहुत ही गंदी आवाज निकालता है बेचारा। ये देखो ऐसी आवाज निकाल ले, मतलब अजीब सी यार। ब्रो इज लिटरली फ्रॉम मार्स। ओके अब फाइनली चेक करके देखते हैं, परफेक्ट यार हो गया पूरा का पूरा। यहाँ पे जैसे कि तुम लोग देख सकते हो पूरा ऑब्सीडियन टूट रहा है, और वो सीधे हम लोग के हॉपर्स में जाके गिर रहा है। अब एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पास जाके क्यों ना देखें मतलब कैसे आ रहा है हम लोग का ऑब्सीडियन। और ये देखो कितना सारा ऑब्सीडियन आ रहा है, ये तो एक्चुअली भाई नेशनल जियोग्राफी के ऊपर फैक्ट्री के चैनल नहीं आते थे ना, वैसे आ रहा है सीधे। और ये देखो मतलब लिटरली 30 सेकंड नहीं हुए मुझे, और ये कितने खतरनाक तरीके से वर्क कर रही है, मतलब स्टैक अपॉन स्टैक, कितनी देर लगेगी इतने सारे ऑब्सीडियन को नॉर्मली माइन करने में। अब मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, यहाँ पे 30 मिनट तक AFK कर लेता हूँ, फिर जब ये चेस्ट पूरी भर जाएंगी मैं इनको बिल्ड करने ओवरवर्ल्ड ले जाऊंगा। अब मैं वापस ओवरवर्ल्ड में आ चुका हूँ, और यहाँ पे हम लोग पानी के ऊपर अपनी नेदर पोर्टल बनाएंगे, बिल्कुल पास में ही है मेरे समुद्र। अब देखो मैं यहाँ पे बहुत सारा ऑब्सीडियन ले आया हूँ, और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये जो मेरे पीछे शल्कर बॉक्सेस रखे हुए थे ये पूरे के पूरे ऑब्सीडियन से भरे हैं। तो गाइस अब हम लोग फाइनली अपनी नेदर पोर्टल के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। ओह
अभी भी आ गया हम लोगों के आइलैंड पे। ये क्या करना चाहता है यार यहाँ पे? मुझे तो लग रहा है यार इसकी नजर मेरे ऑब्जीडियन के ऊपर है, काफी अच्छा बेचेगा ये। बहाओ यार अपने लामास को, मतलब सीधे उठाने भी ले आया ये दो लोगों को। चलो कोई बात नहीं, जितना भर पाएगा उससे पहले मेरा और ऑब्जीडियन बन जाएगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं क्या बोल रहा था गाइस, ये देखो कितना बड़ा फ्रेम बनाया हम लोगों का ये, मतलब बाप रे, ये वर्ल्ड की एक्चुअली सबसे बड़ी नेदर पोर्टल होने वाली है। यहाँ पे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है मुझे सीधे। और ये देखो कितना ऊपर आ चुका हूँ मैं, अपने इसके टॉप में हूँ। चलो सही से लैंड कर लेते हैं। ओके तो मैं दुनिया के सबसे ऊंचे स्पॉट के ऊपर आ चुका हूँ, और इसको प्रूफ करने के लिए मैं तुम्हें दिखा दूँ, ये देखो हाइट लिमिट पे हूँ मैं लिटरली। चलो मैं फाइनली इसके अंदर ऑब्सीडियन भरने की कोशिश करता हूँ। गाइस मैं बहुत देर से काम कर रहा था, दोपहर में शुरू हुआ था मैं कुछ 12 बजे, अब लिटरली गाइस 5 बज रहे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इसको फिल करने में। लेकिन देखो तुम लोग कितना खतरनाक लग रहा है यहाँ पे, ये भरता जा रहा है। और एक्चुअली बहुत ही डेंजरस चीज हुई है हम लोगों के साथ, मैं जितना भी ऑब्सीडियन लाया था इतना सारा ये सब खाली हो चुका है। वैसे मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत वाला हबीबी ने भी चुराया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो जरा से ही चुराएगा है ना, ज्यादा तो नहीं चुरा रहे भैया। लामा को फिर से मारूं मैं, देखो और एक्चुअली लामा मुझे मार ही नहीं रहा, अच्छा लामा यार तुम लोगों का है, देखो मासूम सी शक्ल है उसकी, मतलब वो कुछ भी नहीं। अब यार गाइस मुझे इसको फिनिश करने में तो काफी सारे दिन लगेंगे, चलो आज मैं जितना हो सके उतना करूंगा। सबसे पहले तो यार मुझे और ज्यादा ऑब्सीडियन लाना पड़ेगा इसको भरने के लिए, मतलब इतने से मैं पूरा खत्म हो गया यार। बहुत बड़ी बिल्ड है, मतलब 2 मिलियन ब्लॉक्स प्लेस करने होंगे मुझे। चलो मैं इसको खत्म करने की जल्दी से जल्दी अब कोशिश करता हूँ। गाइस पूरे 4 दिनों के बाद मैंने बना दिए माइनक्राफ्ट का सबसे बड़ा नेदर पोर्टल। वाओ यार, मतलब कितना क्रेजी लग रहा है ये, और ये तुम लोगों को यहाँ से लग नहीं रहा, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, मेगा से मेगा बिल्ड है ये। इसके थ्रू उड़ने में ही थोड़ा सा टाइम लग रहा है यार, मतलब और मैं इलाइट्रा की फुल स्पीड में हूँ ड्यूरेशन 2 वाले फायरवर्क्स के साथ। यहाँ के ऊपर का व्यू कितना खतरनाक है, लिटरली बादलों से ऊपर जा रही है, इसके मिडल के ऊपर बादल होते हैं लिटरली, मतलब इतनी बड़ी है ये। चलो गाइस सबसे खतरनाक मोमेंट आ चुका है पूरी वीडियो का, और ऐसे करके मेरी नेदर पोर्टल फाइनली फिनिश। ये क्या हुआ? अरे हाँ मैं तो तुम लोगों को बताना भूल ही गया यार, हम लोगों की एक्चुअल जो नेदर पोर्टल जो लाइट अप होती है ना, वो होती है वो 21x21 की, तो मुझे इसके अंदर 21x21 पोर्टल्स बनानी होंगी बहुत सारी, ऐसे करके होगा। मैं तुम लोगों को एक्चुअली दिखा देता हूँ, तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये जल गई ना, अब मुझे ऐसे करके यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी बनानी होंगी। कितनी कूल लग रही है, अभी एक्चुअली वर्क भी करती है। और एक्चुअली मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो गाइस ये अपनी नॉर्मल पोर्टल, और वो है मेरी सबसे बड़ी पोर्टल। 200-300 ब्लॉक दूर होके भी ये इससे बड़ी लग रही है, जो हम लोगों के बिल्कुल पास है, 5-6 ब्लॉक दूर है बस। है भाई तुम्हें मजा आया भाई घोड़े? अरे भाग गया इस बार, समझ गया वो मैं क्या करना चाहता हूँ। तो अब मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि मेरे पास माइनक्राफ्ट की सबसे बड़ी नेदर पोर्टल है। अब ये बंद हो गई, एक बार इसके थ्रू जाके देखना है मुझे। ओ कितना खतरनाक लगता होगा ना, अभी मैं इसके थ्रू सीधे नहीं जाने वाला, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फाइनली मैंने इसको बना दिया, ये काफी चैलेंजिंग था, लेकिन इसी के साथ बहुत ही ज्यादा मजा आया इसको बनाने में, सच बता रहा हूँ गाइस। अब देखो मैं माइनक्राफ्ट के अंदर ऐसी क्रेजी चीजें करता जाऊंगा, अगर तुम लोगों को देखना है मैं अगली बार क्या करता हूँ, तो तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, तब तक तुम लोग मेरी इन दोनों वीडियोस को भी क्लिक कर सकते हो, इनके अंदर भी मैंने काफी खतरनाक सामान किया है। लेकिन अभी मैं तुम लोगों से अगली बार मिलूंगा, तब तक के लिए मैं नहीं बोलने वाला गुड बाय।